जुमे के दिन नमाजियों पर जुल्म दिखाने वाले वीडियो का वायरल सच। रात के 8 बज चुके हैं, वक्त हो गया है देश को झूठ से बचाने वाले शो वायरल सच का। आज हम एक ऐसे वीडियो की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे जिसे देखने के बाद मन में सवाल आता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस मकसद से हो रहा है। वायरल वीडियो के जरिए यह दावा है कि जुमे के दिन भीड़ नमाज के लिए बैठी थी, लेकिन नमाज अदा करने से पहले ही मुट्ठी भर लोग वहां पहुंचे और नमाजियों को नारे लगाते हुए खदेड़ दिया। कौन थे ये लोग, क्या है जुमे के दिन नमाजियों पर जुल्म दिखाने वाले वीडियो का वायरल सच, ये आज सामने आएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर किए जा रहे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, शायद आपने ऐसी तस्वीरें पहले नहीं देखी होंगी। एक खुले मैदान में चटाई पर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। दावे के मुताबिक ये नमाजियों की भीड़ है जो जुमे की नमाज के लिए मैदान पर जुटी थी, लेकिन नमाज शुरू होने से पहले ही वहां जय श्री राम के नारे गूंजने लगते हैं। अचानक वहां अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। दावा है कि जय श्री राम के नारे लगाने वाले ये लोग हाथ से इशारा करते हुए नमाजियों की भीड़ को वहां से जाने के लिए कह रहे हैं। वीडियो में एक आवाज भी सुनाई देती है, मस्जिद किस लिए बनाया है, मस्जिद किस लिए बनाया है। करीब 1.25 मिनट के इस वीडियो में सिर पर टोपी लगाए जो लोग चंद सेकंड पहले बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, वो अचानक वहां से जाने लगते हैं, लेकिन भीड़ को हटाने आए युवक नारे लगाना बंद नहीं करते। युवक नमाज पढ़ने आए लोगों को जल्दी से जल्दी मैदान खाली करने के लिए कहते हैं। इसी बीच एक बुजुर्ग से दिख रहे शख्स शायद युवकों से 10 मिनट देने को कहते हैं, लेकिन उनके हाथ से माइक लेकर युवक दूर हटा देता है और कहता है कि अपने गांव जाओ, अपने गांव में जाओ। अरे चलो, इन्हीं तस्वीरों के साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। दावा है ये घटना दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 53 की है, जहां कुछ युवकों ने जुमे की नमाज के लिए बैठे नमाजियों को नमाज से पहले भगा दिया। दावा है कि ये वीडियो 20 अप्रैल की दोपहर 12:30 बजे का है। हमने कैलेंडर देखा तो पता चला कि 20 अप्रैल 2018 को शुक्रवार था, यानी जुमे की नमाज का दिन। लेकिन सवाल ये है कि जुमे के दिन नमाजियों के साथ ऐसा बर्ताव करने वाले लोग कौन थे, नमाजियों को रोकने के लिए इन लोगों को किसने भेजा था, ऐसा पहली बार हुआ या फिर अक्सर होता है, और अगर ये लोग ऐसा कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे। सवाल ये भी, इतने कम लोग इतनी बड़ी भीड़ को हटाने में कैसे कामयाब रहे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जहां नमाज पढ़ी जा रही थी वो जगह निजी प्लॉट था या कोई सरकारी जमीन। तमाम सवाल सिर उठाए जवाब मांग रहे थे। हमारे कई दर्शकों ने वायरल सच से इस वीडियो का सच दिखाने की अपील की थी। वीडियो के साथ पता मौजूद था, इसलिए एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक शर्मा सीधे गुरुग्राम के सेक्टर 53 के लिए रवाना हुए। हमने सबसे पहले उस जगह को ढूंढने की कोशिश की जो वायरल वीडियो में दिखाई दे रही थी। हम गुड़गांव के सेक्टर 53 पहुंच चुके थे, लेकिन इस बड़े सेक्टर में वायरल वीडियो वाला मैदान कहां मिलेगा, ये पता लगाने के लिए हम एक गैराज में मौजूद थे, जहां अलग अलग लोगों को हमने वायरल वीडियो दिखाकर जगह का पता पूछा। यहां हमें ठीक से कुछ पता नहीं चला, लेकिन किसी ने बताया कि यहां से आगे कुछ दूरी पर
ऐसी खाली जगह है। ये गुरुग्राम के सेक्टर 53 के वजीराबाद गांव के मैदान की तस्वीरें हैं। हमने वहां मौजूद गार्ड को वीडियो दिखाया तो उसने कहा, जगह तो यही है लेकिन ऐसे नमाजियों को नमाज से पहले हटाने जैसी किसी घटना के बारे में उसे जानकारी नहीं है। हमने खाली मैदान को बड़ी बारीकी से देखा। इस खाली मैदान में कुछ सबूत दिखाई दिए जो इसके वायरल वीडियो वाली ही जगह होने की पुष्टि कर रहे थे। वायरल वीडियो में मैदान के ठीक सामने एक टावर और बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही थी। ठीक उसी तरह पड़ताल में हमें जो जगह मिली उसमें भी सामने टावर और बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ये पेड़ वीडियो के अंदर नजर आ रहा है जो कि पीपल का पेड़ है और साथ ही इसके साथ में एक जो है यहाँ पर पानी भरने की होदी बनी हुई है जहाँ पर एक आपको सर्कल नजर आएगा यानी कि एक हॉल नजर आएगा। ये वीडियो के अंदर साफ दिखाई दे रहा है। साथ ही पास में जो पेड़ आप देख रहे हैं वो पेड़ आपको वीडियो के अंदर नजर आएगा। यानी ये वही जगह है जो वायरल वीडियो में दिखाई दे रही है जहाँ जय श्री राम के नारे लगाते हुए नमाजियों की भीड़ को हटाने का दावा है। लेकिन हमें वो चेहरे चाहिए जो इस गंभीर दावे की पुष्टि कर सके। हमें पता चला कि मैदान के पास ही एक झुग्गियों की आबादी है। हम इस आबादी तक एक उम्मीद के साथ पहुंचे कि अगर ऐसा हुआ है तो झुग्गी में रहने वालों को इस बारे में जरूर जानकारी होगी। सबसे पहले हमें कुछ मजदूर काम करते हुए दिखाई दिए। यहाँ एक शख्स मिला लेकिन वो बात करने से कतरा रहा था। हमने उससे पूछा कि क्या 20 अप्रैल को शुक्रवार के दिन नमाजियों को नमाज पढ़ने से रोका गया, लेकिन उसने ठीक ठीक कोई जवाब नहीं दिया। मुझे पता नहीं सर, कल का था, पूरा झगड़ा सुना था मैंने, आप देख लीजिए मोबाइल में। इसके बाद ये आदमी एबीपी न्यूज संवाददाता से ये कहकर झुग्गी के अंदर चला गया कि वो किसी ऐसे शख्स को लेकर आएगा जो उस दिन वहाँ खुले मैदान में नमाज पढ़ रहा था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। तो हम खुद ही इस बस्ती के अंदर पहुंचे। यहाँ हमें कई चेहरे दिखाई दिए लेकिन बोलने को कोई राजी नहीं था। बिल्कुल फिल्मों की तरह यहाँ ये लोग सिर्फ इतना कह रहे थे कि सुना था, लेकिन हुआ क्या ये कोई बताने को तैयार नहीं था। हमारे संवाददाता को इस दौरान पड़ताल में ये बात पता चली कि ये झुग्गी बस्ती बांग्लादेशियों की है और ये लोग इस बात से डरे हुए थे कि अगर कुछ कहा तो इनकी पिटाई हो सकती है। लेकिन इसके बाद हमें एक शख्स मिला जो वायरल वीडियो वाली घटना के बारे में बताने को तैयार था। सुरक्षा कारणों की वजह से हमने इस शख्स का चेहरा छिपा दिया है। वो नमाज पढ़ने के लिए गया था आदमी साहब, तो आदमी साहब आया था, वही दो चार आदमी आया था, हंगामा किया था। वो भाई दुकान के साथ में दो आदमी को मारने के लिए बैठ गया। मारने के बाद ये लोग नमाज पढ़ छोड़ करके भाग गया। आदमी साहब यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आया, मौलवी को कालर को पकड़ लिया, उसको पकड़ बोलता है कि पकड़ के बोलो को सीराम बोलो, नहीं बोलेगा तो पकड़ के पिटेंगे। हाँ, सब डर के मर के भाग गया, कोई नमाज पढ़ने नहीं पाया। यानी वायरल वीडियो में जिस जगह जय श्री राम के नारे लगाकर नमाजियों को हटाया गया वो जगह हमें मिल चुकी थी। हमें वो चश्मदीद मिल चुके थे जो उस दिन वहाँ खुले मैदान में जुमे की नमाज के लिए गए थे। चश्मदीद बता रहे थे कि घटना 20 अप्रैल यानी शुक्रवार इसी वर्ष की है। अब आखिरी सवाल ये था कि जुमे की नमाज के दिन नमाजियों को वहाँ से हटाने वाले लोग कौन थे। हमने पता लगाया कि आखिर ये जमीन किसकी है। ऐसा तो नहीं कि कहीं ये प्राइवेट जमीन हो और जमीन के मालिक ने इन युवकों को इसे रुकवाने के लिए भेजा था। पड़ताल में हमें एक फोन नंबर मिला जिस पर बात करने के बाद किसी ने बताया कि जमीन हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन आती है। ये जानकारी मिलते ही हम सीधा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी पहुंचे और वहां हमने जमीन के बारे में जानकारी मांगी। लेकिन हुड्डा यानी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में
किसी ने भी कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया। हमारी एक टीम को एक दूसरे अधिकारी के पास भेजा गया, जिसने ये बताया कि ये जमीन सरकारी है, लेकिन ये पता लगाना होगा कि ये हुड्डा के पास है या किसी अन्य सरकारी विभाग के पास। लेकिन उन्होंने ये साफ किया कि अगर ये जमीन उनकी भी होती तो वो इस तरह से नमाजियों को हटाने के लिए लड़के नहीं भेजते। अब सवाल ये है कि नमाजियों को हटाने वाले लड़के कहाँ से आए। हम अपने सवाल के साथ गुरुग्राम पुलिस के पास पहुंचे। यहाँ पहुंचते ही हमारे सामने ये तस्वीरें थी। पुलिस ने 20 अप्रैल यानी शुक्रवार के दिन गुरुग्राम के सेक्टर 53 में सरस्वती कुंज के सामने मैदान में नमाज पढ़ रहे लोगों को जबरन हटाने और धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में अरुण, मनीष, दीपक, मोहित और रविंद्र समेत 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से वो मोबाइल फोन भी बरामद किया है जिसमें नमाजियों को हटाने की वारदात को कैद किया गया था। गुड़गांव पुलिस को एक शिकायत नेहरू युवा संगठन के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्होंने बतलाया कि वो पिछले कई सालों से जो सेक्टर 53 के अंडर सेक्टर 43 के ग्राउंड में लगातार नमाज पढ़ते आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने जो वहाँ पर जो नमाज पढ़ रहे थे उनको नमाज पढ़ने से रोका और वहाँ पर श्री राम के नारे लगाते हुए उनको जान से मारने की धमकियाँ दी, और उनको ये डर है कि दोबारा से फ्राइडे के दिन दोबारा से फिर वो लोग इस प्रकार के जो बैड एलिमेंट्स हैं कोई भी हादसा कर सकते हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि इन युवकों का संबंध किस संगठन से है और ये किस हैसियत या वजह से नमाजियों को नमाज पढ़ते वक्त हटाने के लिए वहां पहुंचे थे। पुलिस ने जांच के बाद बाकी तथ्य सामने आने की बात कही है। इसलिए हमारी पड़ताल में जुमे के दिन नमाजियों को नमाज पढ़ने से रोकने वाला वीडियो सच साबित हुआ है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।